दोस्तों दिल्ली सोनिया विहार के नजदीक राम पार्क में आज आपके लिए लेके आया हूँ किस्तों पर प्लॉट भी और मकान भी। राम पार्क में आपको मिलता है मात्र 4.5 लाख रुपए में अपना प्लॉट। दोस्तों दिल्ली सोनिया विहार के नजदीक राम पार्क में आपको इस तरीके का मकान मात्र 7 लाख रुपए मिलने वाला है। बाकी का पैसा आपको देना है 2.5 साल की ब्याज मुक्त किस्तों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तेजी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल MH प्रॉपर्टी व्लॉग्स पर, जिसको आप लोगों ने बनाया इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड प्रॉपर्टी YouTube चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं आपके लिए दिल्ली NCR में सस्ती सस्ती और अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आता रहता हूं। तो आज भी मैं आ गया हूं दिल्ली राम पार्क में, बिल्कुल सोनिया विहार के नजदीक में, और दिल्ली देहरादून हाईवे से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी लेकर आया हूं, जिसमें आपको किस्तों पर प्लॉट व मकान दोनों मिलने वाले हैं। तो यहाँ की ज्यादा जानकारी देने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ की ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं बुलाऊंगा न्यू विराट प्रॉपर्टी डीलर एंड बिल्डर से माजिद चौधरी जी को, जो कि इस प्रॉपर्टी के ओनर है। माजिद भैया नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया। नमस्कार सभी भाइयों को। तो माजिद भैया, आज राम पार्क में कॉलोनी लेकर आए हैं जी। तो यहाँ तो ये मान लो कि आपने पूरी डेवलप ही कर रखी है पहले से ही। बिल्कुल सर, देख सकते हो आप। तो ये सारी आप लोगों ने की है? सारी हमने सेल कर रखी है। सारी आपने सेल की है, तो ये आगे एक्सटेंड की है? बिल्कुल, ये नई एक्सटेंड की, नई एक्सटेंड की है। तो अब यहाँ पे ये बताओ, सबसे पहले तो सुविधा क्या क्या है और दिल्ली से दूरी की अगर बात करें तो सुविधा आप देख सकते हो, पक्की चौड़ी चौड़ी है, 24 घंटे बिजली है, समर सेविल का मीठा पानी है। और दिल्ली से कितनी दूरी पर है? दिल्ली से मात्र 0 किलोमीटर की दूरी, सोनिया विहार से। सोनिया विहार, हाँ जी। चौहान पट्टी बस स्टैंड से कितनी दूरी पर है? चौहान पट्टी के लिए आप पैदल वॉकिंग करते हुए जा सकते हैं। पैदल वॉकिंग? हाँ जी बिल्कुल, डिस्टेंस पे बिल्कुल। तो चौहान पट्टी बस स्टैंड जो है ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलने वाला है। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, वहाँ से कितनी दूरी है? देहरादून एक्सप्रेस वे से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। 300 मीटर की दूरी पर, बिल्कुल। और कब कंप्लीट हो रहा है? कंप्लीट आप सबको पता है, 2024 के स्टार्टिंग में कंप्लीट होना है, जिसकी वजह से हमारी साइड के रेट 2 गुना और 4 गुना होने वाले हैं। तो मकान लो और अपना मकान और प्लॉट को 4 गुना पैसे लेके जाओ। 4 गुना पक्की बात है, बिल्कुल बिल्कुल खुल के दोस्तों दुगुना मिलने वाला है यहाँ पर, अगर आपने प्लॉट ले लिया तो। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर सबसे छोटा साइज बात करते हैं 25 गज की, तो कितने का है? मात्र 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए, हाँ जी। रेट कहाँ से कहाँ होते हैं यहाँ के वैसे? मतलब कहना का चाह रहे हो, कितने रुपए गज से स्टार्टिंग है और कहाँ तक है हमारे? हमारे पास जो साइड है 10,000 से लेके, और आप ले सकते हो 30,000 तक के रेट है हमारे पास। हाँ जी, यहाँ रामेश्वर राम पार्क में क्या रेट दिया आपने? राम पार्क में जो रेट है 25 गज का प्लॉट मात्र 4.5 लाख। 4.5 लाख, हाँ जी। और यहाँ अगर किसी को कब्जा लेना हो प्लॉट पे तो कितना देना है? हाँ, तो कब्जे लो 10 से 15% दो और कब्जा लो तुरंत। 10 से 15%, हाँ जी, कब्जा दे देंगे तुरंत। रजिस्ट्री कितने परसेंट पे कर देंगे? रजिस्ट्री कर देंगे 40% पे। 40%, हाँ जी। पक्की रजिस्ट्री? दाखिल, बिल्कुल दाखिल खारिज के साथ। पक्की बात है, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ जी। अच्छा, और बाकी का पैसा कितने दिनों में देना है? बाकी का पैसा देना आपको 2.5 साल में। 2.5 साल में, हाँ जी। तो ये ब्याज मुक्त रहेगा या ब्याज नहीं? इसमें कोई ब्याज है ही नहीं, जो पे जो आपका हमारा तय होगा वही आपको। अच्छा, कोई अगर आपसे कहता है कि भैया मुझे तो इस तरीके का मकान चाहिए, 1 मंजिल का 2 मंजिल का बना के दे देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, 1 मंजिल 2 मंजिल जितना चाहे बना कर लो बना के। हाँ जी, यहाँ पे अगर 25 गज का कोई मकान लेता है तो कितने का दे देते हैं? 25 गज का मकान मात्र 7 लाख रुपए में दे रहे हैं। 7 लाख, हाँ जी। तो ये फुल पेमेंट होने वाली? बिल्कुल क्लियर फुल पेमेंट, हाँ जी। तो दोस्तों राम पार्क में अगर आप 25 गज का एक मकान लेते हैं तो 7 लाख रुपए का है, और वो भी फुल पेमेंट के साथ में। इसमें शुरुआत में कितना देना? मात्र 1 लाख रुपए देना होगा। 1 लाख रुपए मकान दे देंगे? मकान दे देंगे। कितने दिनों में बना के दे देते हैं? 2 से 3 महीने के अंदर। 2 से 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने में मकान मिल जाएगा 1 लाख रुपए देना है। बाकी का पैसा आपको कितने साल की किस्तों में? 2.5 साल की। 2.5 साल, हाँ जी, ब्याज मुक्त किस्तों पर देना है। और दोस्तों राम पार्क जो है दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली सोनिया विहार से, ठीक है ना? सोनिया विहार उस तरफ है, राम पार्क इस तरफ है, तो बिल्कुल लगा हुआ है। चौहान पट्टी बस स्टैंड वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 300 मीटर की दूरी पर दिल्ली देहरादून हाईवे है, जो कि दिल्ली अक्षरधाम से आ रहा है और देहरादून को जा रहा है, मेरठ को भी जा रहा है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ये जो है भैया हरने ही कॉलोनी काटी थी और ये सारी ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं। यहाँ पे कई हजार फैमिली ऑलरेडी रह रही है, करीबन 20-25 हजार फैमिली रह रही होंगी। हाँ जी बिल्कुल रह रही है सर। दोस्तों बीच बसावट में राम पार्क में आपको ये प्लॉट मिलने वाला है, ऐसे नहीं है जंगल में दे रहे हैं कहीं।
पूरी फैमिली रह रही है। गली भैया ने ही काटी थी पहले और ये आगे एक्सटेंड करी है। पूरी फसावट है, बाहर रोड पे ही आपको ऑटो ई रिक्शा मिल जाएगी और कॉलोनी में ही आपको दुनिया भर की दुकानें मिल जाएंगी। परचून की तो परचून की, कॉस्मेटिक की, हर चीज की, ब्यूटी पार्लर की, सब चीज की दुकान आपको कॉलोनी में मिल जाएगी। अब बात करते हैं भैया, ऐसे स्कूल हॉस्पिटल बड़ी मार्केट कितनी दूरी पर है? सारी चीजें अगर बात करें मात्र 200 से 300 मीटर के दायरे में आपको सारी सुविधाएं मिल सारी बड़ी मार्केट भी बिल्कुल 200-300 मीटर की दूरी पर स्कूल भी मिल जाएंगे, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, मार्केट मिल जाएगी, बड़ी मार्केट। अब यहाँ से बात करते हैं मेट्रो स्टेशन कौन सा और कितनी दूरी पर है भैया? अगर आप मेट्रो स्टेशन की बात करें तो सिव्यार मेट्रो स्टेशन जो यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ेगा, 4 किलोमीटर पड़ेगा, तो 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको सिव्यार मेट्रो स्टेशन पड़ता है। और अगर बात करें रेलवे स्टेशन की तो कौन सा कितनी दूरी पर है? रेलवे स्टेशन की अगर बात करें नुसरताबाद खड़गे रेलवे स्टेशन यहाँ से पड़ेगा 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पास होने वाला है और आपका मेट्रो स्टेशन पास होने वाला है। बाकी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी होगी इसकी? उससे दूरी पड़ेगी 10 किलोमीटर के आसपास, 10 किलोमीटर। हाँ जी, तो 10 किलोमीटर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से है यहाँ की दूरी। तो दोस्तों सोच के आ रहे हैं किस्तों पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है और ये कोई डीलर नहीं है, डेवलपर है, बिल्डर है, 40-50 साल हो चुके हैं, बाप दादा काम कर रहे थे, आप भैया संभाल रहे हैं। न्यू विराट प्रॉपर्टी डीलर एंड बिल्डर्स के नाम से इनका ऑफिस है, खजूरी पूछते पे पुलिस चौकी के बैक साइड में। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, यहाँ जो अभी ये और बता दीजिए साइड विजिट की क्या सुविधा रखी है? साइड विजिट बिल्कुल फ्री है, कॉल कीजिए आप दिल्ली NCR में जहाँ से भी वहीं कॉल करो, हमारा लड़का आपको पिक करेगा, साइड विजिट कराएगा और पसंद आए चाहे ना आपको वहीं छोड़ गया, उसका कोई चार्ज नहीं है, वहीं फ्री है, फ्री है। हाँ जी, चाहे ले चाहे मत लो बिल्कुल। बाकी दोस्तों मेरा तो एक छोटा सा ये कहना, अगर आप किस्तों पे मकान लेना चाहते हैं ना तो न्यू विराट प्रॉपर्टी डीलर के पास आइए, किराएदार उससे बिल्कुल मतलब किराएदार जैसे है ना, कब तक किराए पे रहेंगे, अब अपना मकान ले लो और न्यू विराट प्रॉपर्टी से ले लो क्योंकि ये किस्तों पे दे रहे हैं और डेवलपर है, जेन्युइन प्रॉपर्टी है, GPA की प्रॉपर्टी नहीं है, रजिस्ट्री वाले पक्की रजिस्ट्री दाखिल खारिज के साथ है। तो दोस्तों सोचना नहीं है, बस दिए हुए नंबर पर कॉल करना और भैया के पास आ जाना, प्लॉट के मालिक बन जाओ, मकान के मालिक बन जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं गौरव तेगी ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।